ओ वेलकम अगेन गाइस। सो एज यू नो, हमने कल एक जो हमारा यूट्यूब मेंबर ने रिक्वेस्ट किया था वो स्ट्रेटेजी बनाया था पीएम 5 एंड 55 के क्रॉसओवर के ऊपर, कि कैसे आप लोग इसको ट्रेट्रॉन में बना सकते हो स्ट्रेटेजी को, राइट। सो आज हम उसी जो कॉमेंट थी जो पोस्ट पे, वहाँ पर जो दूसरी रिक्वेस्ट आई थी वो भी एक बार ट्राई करते हैं देखने की। तो यहाँ पर मिस्टर वाई आर जाडेजा ने एक स्ट्रेटेजी रिक्वेस्ट की है। 3 मिनट टाइम फ्रेम आपको लेना है एंड एटीएम कॉल ऑप्शन का आरएसआई 60 के अबो होना चाहिए। सो आपको वो कॉल ऑप्शन बाई करना है। आई गेस उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया लेकिन वही होगा। फिर आपको जो एसएल रखना है वो है सुपर ट्रेंड 10 एंड 2 की वैल्यू, राइट एट द टाइम ऑफ एंट्री। ओके, जब हम एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पर जो सुपर ट्रेंड की वैल्यू होगी वो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। फिर ट्रेल करना है वही सेम सुपर ट्रेंड से। एंड अगर आपको लॉन्ग एंट्री करनी है यानी कि कॉल साइड एंट्री करनी है तो स्पॉट का प्राइस होना चाहिए R1 के अबो। एंड सेम में आई गेस पुट में अगर आपको एंट्री करनी है सो आपका जो स्पॉट है उसका प्राइस होना चाहिए S1 के बिलो, राइट। एंड आई गेस उसके बाद हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था इसके अंदर कि उनको ये जो स्ट्रेटजी है उसका नाम रखना है RSI ऑप्शंस मोमेंटम। सो चलिए देखते हैं ये इस तरह की स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो पिवोट जो कि स्पॉट के प्राइस स्पॉट के चार्ट के बेस पे है। आप ऑप्शन चार्ट का आरएसआई भी देख रहे हो एंड आप स्टॉप लॉस जो रख रहे हो वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है। सो यहाँ पर आप 3 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहते हैं ये मिस्टर वाई आर जाडेजा। तो चलिए बनाते हैं। फिर जो हम लोग बनाएंगे स्ट्रेटेजी, जैसे कि आप लोग जानते हो, इसका एक शेयर कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा एंड इसकी जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि अगर आपको अपना आप टेस्ट करना है तो भी आप उसको कर सको। टेस्टिंग के बाद अगर आपको कोई सजेशन है स्ट्रेटजी में कि अगर वो सजेशन हम लोग इंप्लीमेंट करें स्ट्रेटजी में तो आप अगर सोचते हो कि उसका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है सो आप हमें यूट्यूब में कमेंट करके बता सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने ट्रेट्रॉन का जो स्ट्रेटजी बिल्डर है ओपन कर लिया है। स्ट्रेटजी को आप नाम दे देते हैं तो ये उन्होंने बोला था RSI ऑप्शंस मोमेंटम। सो मैंने ये नाम दे दिया है यहाँ पर। चलिए वन बाय वन हम लोग बनाते हैं स्ट्रेटजी को। तो ये स्ट्रेटजी हम लोग बैंक निफ्टी में बनाते हैं। चलिए सो जैसे कि आप लोग जानते हो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, एक इनिशियलाइज वेरिएबल जनरेट कर लेता हूँ, राइट, ताकि मुझे बार बार बैंक निफ्टी लिखना ना पड़े। राइट, अभी मैं जब भी बी लिखूंगा रन टाइम के अंदर तो मुझे ऑटोमेटिकली ट्रेट्रॉन बैंक निफ्टी स्पॉट का वैल्यू फेच करके दे देगा, राइट। सो टाइमिंग वगैरह कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट आई गेस वो इंट्राडे के लिए ही बोल रहे होंगे। सो सपोज मैं ट्रेट्रॉन को पहले बता देता हूँ कि मुझे मैक्सिमम जो भी ट्रेड लेना है वो सपोज लेने हैं 3:15 तक, राइट। सो अगर 3:15 के ऊपर टाइम है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना, एंट्री नहीं लेना कोई भी, राइट। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या रहेगा, जो आपका अभी कॉल ऑप्शन चल रहा है उसका RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, राइट। सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पोजिशन RSI -1, बिकॉज हम क्या करेंगे जो हमारी पिछली 3 मिनट की कैंडल थी उस टाइम पे 60 के ऊपर RSI ने क्लोज दिया कि नहीं वो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। एंड RSI का वैल्यू उन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग 14 ही मान के चलते हैं। ट्रेक्ट्रॉन के अंदर बाय डिफॉल्ट 15 रहता है लेकिन बाकी सभी जगह पे जैसे कि आप लोग जानते हो RSI 14 का वैल्यू डिफॉल्ट रहता है। आप यहाँ पर लिख दीजिए निफ्टी बैंक एंड करंट वीक एक्सपायरी, कॉल की बात हम लोग कर रहे हैं, पोर्ट बेस ATM। बाकी आप यहाँ पर 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज हम लोग ATM की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन नंबर 60, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल का जो RSI है कॉल ऑप्शन का ATM वो 60 के ऊपर होना चाहिए। ये उनकी फर्स्ट कंडीशन है। सो हमने वो लिख दिया, SL अभी नहीं लिखना। हाँ एक बात है कि अगर आपको कॉल बाय करना है एंड आपको SL रखना है सुपर ट्रेंड 10-2 का वैल्यू पे, सो एक आपको मेक श्योर करना चाहिए कि अभी जो सुपर ट्रेंड का वैल्यू है वो करंट प्राइस के बिलो है, राइट, विच इज ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, उसमें उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पोजीशन क्लोज -1, यानी कि पिछली कैंडल का जो भी क्लोज था, राइट, इसका सेम इंस्ट्रूमेंट हमारा जो ऑप्शन है वो ही। सो NFO निफ्टी बैंक करंट वीक कॉल एंड ATM स्पॉट, राइट, वो होना चाहिए पिछली कैंडल के सुपर ट्रेंड के ऊपर, तभी हम लोग सुपर ट्रेंड के बेस पे हमारा SL डाल सकेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। एंड यहाँ पर आपको वैल्यू 10 एंड 2 रखना है सुपर ट्रेंड का, राइट। यहाँ पर भी सेम
NFO, Nifty Bank, Current Week, Option, Call एंड ATM Spot, राइट। एक और कंडीशन उनकी है कि आपको अगर लॉन्ग करना है सो आपका स्पॉट का प्राइस R1 के ऊपर होना चाहिए, सो वो भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर दैट। इसके अंदर हम लोग LTP यूज़ करेंगे तो भी चलेगा आई गेस। सो LTP ऑफ गेट रन टाइम विच इज़ माई बैंक निफ्टी स्पॉट राइट शुड बी ग्रेटर देन पोजिशन पिवट डेली सेम रहेगा राइट। सो स्टैंडर्ड पिवट एंड R1 आपको चाहिए वैल्यू एंड सिंबल के अंदर भी आपको गेट रन टाइम यूज करना है बिकॉज हमें बैंक निफ्टी स्पॉट का ही वैल्यू चाहिए राइट। सो डेली जो पिवट होगा हमारा R1 उसके ऊपर अभी हमारा जो करंट प्राइस है बैंक निफ्टी स्पॉट का वो होना चाहिए ओके। एंड आई थिंक वी आर डन। सेफ सेट रहने के लिए अगर आपको चाहिए वैसे तो क्या है, अगर आपको पुट में बाय एंट्री करना है तो वो है S1 के बिलो, सो इमीडिएटली तो आपको अगर कॉल में से एग्जिट मिलता है तो पुट में एंट्री नहीं मिलने वाला। सो आपको यहाँ पर पोजीशन डिटेल ऑल ओवर ऑल क्वांटिटी जीरो लिखने की जरूरत मुझे लग नहीं रही अभी तो राइट। दूसरा भी कुछ ऐड करने की जरूरत अभी नहीं लग रही मुझे, तो ठीक है इसी को सबमिट दे देते हैं। एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है सो आपको क्या बाय करना है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। सो मुझे कॉल बाय करना है बैंक निफ्टी का करंट वीक एक्सपायरी वाला एंड पोर्ट के हिसाब से जो भी एट द मनी चल रहा होगा वो मुझे बाय करना है राइट। सो वो मैंने यहाँ पर ट्रेडट्रॉन को बता दिया एंड मुझे सपोज 1 लॉट बाय करना है सो वो मैंने यहाँ पर ट्रेडट्रॉन को बता दिया। सेम वे इसको यहाँ से कॉपी कर दीजिए, यहाँ से एक नया एक सेट ऐड कर दीजिए, हम लोग एक पुट के लिए भी बना लेते हैं राइट। सो पुट के अंदर क्या अभी आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर सभी जगह पे आपको पुट ऐड करना है। सो पुट के चार्ट का जो RSI है वो 60 के अप होना चाहिए प्रीवियस कैंडल का, जो प्रीवियस 3 मिनट का वैल्यू है वो राइट। एंड पुट का जो प्रीवियस क्लोज है वो पुट का ही जो प्रीवियस कैंडल का सुपर ट्रेंड था उसके ऊपर होना चाहिए एंड यहाँ पर आपका आएगा लेस देन जो आपका स्पॉट का वैल्यू है वो होना चाहिए आपका जो S1 पिवट है राइट उसके नीचे होना चाहिए स्पॉट का वैल्यू। सो ये चेंजेस आपने कर दिए एंड यहाँ से आप कॉल वाला जो पोजीशन बिलर इसको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, काफ़ी इजी है स्ट्रेटजी बनाना। एंड यहाँ पर आपको FX में सेम आपको ATM स्पॉट ही आपको बाय करना है राइट। सो ये हो गया आपका पुट का। सो अभी एक बार क्या करता है इसको हम लोग, मैंने एक्चुअली क्या किया, मेरा कोई प्रीवियस एक स्ट्रेटजी था, आप अगर माई स्ट्रेटजी स्टेप पे जाओगे यहाँ से राइट, सो वहाँ पे आपकी जो भी काफ़ी सारी कोड स्ट्रेटजी होगी कोडेड उसी को मैंने डुप्लीकेट करके मैं नया टेम्पलेट बनाया है। सो यहाँ पर मुझे अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, अगर आप सीधा क्रिएट पे जाके करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि भी हमें क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है और इनको क्यों अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, सो दैट्स वाई। सो ये हमारी इनिशियल स्ट्रेटजी बन चुकी है। अभी आपको क्या करना है, जब भी आपने एंट्री ली राइट, सो जब भी एंट्री है तभी उसी टाइम का आपका जो सुपर ट्रेंड 10 and 2 का वैल्यू आपको स्टोर करना है, वो आप कहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल में राइट। सो रन टाइम पे आप क्लिक करिए एंड यहाँ पे डाल दो CESL, कोई भी नाम आप डाल सकते हो एंड सिंपली आपकी जब एंट्री हो रही है उस टाइम पे आपको सुपर ट्रेंड का वैल्यू चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं है राइट। सो यहाँ पर आप 0 रहने दो बिकॉज इसी टाइम आपको सुपर ट्रेंड का अभी जो वैल्यू है वही आपको चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जो प्रीवियस कैंडल है वो सुपर ट्रेंड का आपको वैल्यू रखना है तो आप यहाँ पर -1 भी यूज कर सकते हो राइट। आई गेस एक बार हम लोग चार्ट में देख लेते हैं किस तरह से ये दिख रहा है स्ट्रेटजी। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है 46790 के अराउंड, सो 46800 अभी ATM रहेगा स्पॉट के हिसाब से, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ ट्रेडट्रॉन में। तो 46800 का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर दिया है। प्लीज सपोज यहाँ पे मैं RSI ऐड कर देता हूँ, सुपर ट्रेंड ऐड कर देता हूँ राइट। बाकी पिवट तो हम लोग स्पॉट के चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर पिवट ऐड करने की जरूरत नहीं है एंड सुपर ट्रेंड का वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं 10 and 2 का एंड आपका जो सुपर ट्रेंड एंड RSI दोनों 3 मिनट टाइम फ्रेम पे है अभी ऑप्शंस के राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देता हूँ। सो 60 के अब यानी कि RSI का वैल्यू भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं 60 कर देता हूँ, इसको भी 60 कर देता हूँ ताकि 60 के नीचे एंड 60 के ऊपर हमें पता चले। एंड 60 के नीचे मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड है ओके यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि हमें सिर्फ 60 के ऊपर का वैल्यू दिखाई दे राइट। सो यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिया। सो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो इस टाइम पे RSI 60 के अप गया था एंड उसके बाद वाली कैंडल यानी कि यहाँ पर कहीं पे आपकी एंट्री हुई होती इस प्राइस पे
राइट। जैसे ही ये कैंडल खत्म होता है, ये जो बड़ा वाला कैंडल आप देख रहे हो, इसके अंदर आप देख रहे हो RSI 60 के ऊपर इस कैंडल पे गया है। सो उसके बाद वाली कैंडल पे आप चेक करते हैं कि RSI प्रीवियस कैंडल का 3 मिनट का RSI 60 के आप है, तो आपकी यहां पर कहीं पे एंट्री होती एंड उस टाइम पे स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आप प्रीवियस कैंडल का यूज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आता है यहां पर, देख लीजिए आप राइट, यहां कहीं पे स्टॉप लॉस आता क्योंकि प्रीवियस कैंडल की सुपर ट्रेंड की वैल्यू यहां पर थी एंड जो हमारी एंट्री कैंडल है उस टाइम पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू थी यहां पर। सो आई गेस जो एंट्री कैंडल है उसी टाइम की सुपर ट्रेंड की वैल्यू हम लोग यहां पर लेंगे। सो यहां पर मैं 0 ही यूज करूंगा ताकि आपका स्टॉप लॉस है वो हो सके उतना कम आए राइट। एंड उसके बाद आपका यहां पर कहीं पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होता जैसे कि उनकी स्ट्रेटजी है उस हिसाब से राइट। एंड आई डोंट नो ये यहां पर एंट्री बनती कि नहीं वो भी हमें नहीं पता क्योंकि इस टाइम पे एंट्री के टाइम पे आपका जो स्पॉट का वैल्यू है वो भी जो पिवोट R1 है उसके ऊपर होना चाहिए था राइट। सो अगर वो R1 के ऊपर होता तो आपकी यहां पर एंट्री बनती क्योंकि आप लोग एंट्री जो ले रहे हो कॉल के एंड पुट के चार्ट के ऊपर ले रहे हैं। सो यहां पर रन टाइम में मैंने डाल दिया है पोजीशन सुपर ट्रेंड, उसका वैल्यू आप चेंज कर सके 10-2 कर दीजिए, टाइम फ्रेम यहां से चेंज कर लीजिए 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर लीजिए राइट। एंड यहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा जो भी आपने अभी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, क्योंकि अभी आपकी एंट्री हो चुकी है सो आप यहां पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम भी यूज कर सकते हो एंड बिकॉज आप जानते हो कि अभी जो ATM चल रहा है उसी के ऊपर हमने एंट्री ली है सो आप यहां पर ATM भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में राइट। सो कॉल की एंट्री एंड ATM स्पॉट, सो ATM स्पॉट पे जो भी अभी वैल्यू चल रहा है उसका सुपर ट्रेंड का वैल्यू वो आपका CESL हो गया राइट। सेम है आपको पुट का भी SL डाल देना है, सो पुट का SL मैंने नाम दे दिया इसको एंड यहां पर भी पोजीशन सुपर ट्रेंड यूज करना है आपको एंड यहां पर भी मैं 0 रहने देता हूँ। सुपर ट्रेंड का वैल्यू आप चेंज कर दो 10-2 पे, सिंबल में आप आ जाओ, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम कर दो एंड यहां पर इंस्ट्रूमेंट नेम भी चलेगा, ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट नेम भी चलेगा। अगर ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट नेम आप यूज कर रहे हो तो 211 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट, दोनों वर्क करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सो NFO निफ्टी बैंक करंट वीक एक्सपायरी पुट एंड ATM स्पॉट राइट। सो ये आपका पुट का जो इनिशियल SL है वो हो गया। अभी कैसे पता चलेगा, हमने तो इनिशियल SL का वैल्यू स्टोर किया है यहाँ पर कॉल का एंड यहाँ पर पुट का। सो यहाँ पर आ जाओ एंड सपोज मैं इसको कॉपी कर देता हूँ फिर उसमें चेंजेस करेंगे राइट। सो टाइम वाला हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए ओके। अभी यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपको जो ट्रेलिंग करना है वो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो तब आपको एग्जिट करना है या फिर आपका प्राइस जैसे ही सुपर ट्रेंड को टच करता है आपको एग्जिट कर जाना है। तो मैंने आप लोगों को अभी दोनों कंडीशन कैसे कोड कर सकते हैं बता देता हूँ आपको, फिर वो आपके ऊपर आपको किस तरह से इसको यूज करना है। सो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि उसके बाद RSI एंड इसका कुछ काम नहीं, अभी सिर्फ सुपर ट्रेंड का काम है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो तभी आपको एग्जिट करना है या फिर यहाँ से आप एक और कंडीशन एड कर दो दैट LTP ऑफ योर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका ऑप्शन जिसमें आपने अभी ट्रेड लिया राइट, किसमें आपने लिया, निफ्टी बैंक के एक ऑप्शन में ट्रेड लिया और ये फर्स्ट सेट में से लिया यानी कि कॉल में, उसका प्राइस अगर आपका जो CESL का जो इनिशियल SL था उसके नीचे अगर चला जाता है सो ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है तो भी आपको एग्जिट करना है राइट। या फिर अगर आपका जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है वो सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाता है राइट, सो यहाँ पर आपको सिंबल पे क्लिक करके यहाँ पर यूज करना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, क्योंकि अभी आप यहाँ पर ATM स्पॉट नहीं यूज कर सकते कॉल का, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका स्पॉट का ATM जो स्ट्राइक है वो चेंज हो चुका है। सो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट में मैंने ट्रेड लिया है उसी इंस्ट्रूमेंट का आप ट्रेडट्रॉन को बोल रहे हो कि चार्ट आप चेक करो एंड फिर उसका जो क्लोज है वो सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाता है प्रीवियस कोई भी कैंडल पे राइट, यानी कि पिछली कैंडल पे। सो यहाँ पर भी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम तो भी आपको एग्जिट करना है राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ, जिस कॉल में आपने एंट्री ली है उसी कॉल का क्लोज है वो सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया पिछली कैंडल पे तो आपको एग्जिट करना है, या फिर आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया तो आपको एग्जिट करना है। ये आपको मैंने मेथड दिखा दी कि क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि ये कैंडल ने इसको क्लोज दिया तो जैसे ही ये वाला कैंडल स्टार्ट होगा अभी जो SL है वो क्या है कि या तो ये आपका इनिशियल SL पहले हिट हो गया तो आप एग्जिट कर जाओगे, या फिर ये कैंडल ने आप जैसे कि देख रहे हो सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दिया है सो जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट होता है ग्रीन कैंडल इसका ओपन जैसे ही ये स्टार्ट होगा वो चेक करेगा कि प्रीवियस कैंडल ने सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दिया है सो आप यहां पर एग्जिट कर जाते हैं राइट। सो ये अभी का SL है। मैं अभी क्या करने वाला हूं कि जैसे ही कोई कैंडल सुपर ट्रेंड को टच करता है तो भी हम लोग एग्जिट कर जाए, सो मैं इसको इस तरह से अभी कोड करने वाला हूं राइट। इसके मैंने मेथड दिखा दिया आपको क्लोजिंग बेसिस पे आपको कैसे एग्जिट करना है। सो मैं इसको हटा देता हूं एंड यहां पर मैं LTP डाल देता हूं राइट, जो हमारा एंड यहां पर मैं लिख देता हूं लेस देन और इक्वल टू, दोनों में डिफरेंस क्या है
लेस देन चेक करेगा कि इक्वल टू, यानी कि उसका प्राइस सेम रहेगा तो एग्जिट नहीं करेगा, उसके नीचे जाएगा सुपर टेन के नीचे तो ही वो एग्जिट करेगा, राइट। लेस देन लेस देन इक्वल टू क्या करेगा कि उसका सेम प्राइस हो गया एस एल का वैल्यू का तो भी वो एग्जिट कर देगा। सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो मेरा कॉल का प्राइस है वो सुपर टेन का जितना हो जाए या उससे नीचे चला जाए तो मुझे एग्जिट कर देना है। सो ये आपका जो एग्जिट कंडीशन है कॉल का वो कंप्लीट हो गया। अभी सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो एंड सिर्फ आपको यहाँ से ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में चेंज करना है, तो ये आपका पुट का प्राइस हो गया, राइट। एंड यहाँ पर आपको PESL, यहाँ पर भी सेम आपका जो पुट का चार्ट है जिसमें आपने एंट्री ली है उसका जो सुपर ट्रेंड का वैल्यू है उससे नीचे अगर चला जाए तो भी आपको एग्जिट कर देना है, या फिर अगर आपका SL हिट हो जाए जो इनिशियल था तो भी आपको एग्जिट कर देना है, राइट। सो ये आपका कंडीशन बनकर रेडी हो चुका है, काफ़ी सिंपल है। अगर ट्रेंडिंग मूव आने वाला है तो आप इसको आई गेस इजीली कैच कर सकोगे। सिर्फ एक दिक्कत मुझे लग रही है कि R1 के ऊपर वाला जो आपने कंडीशन डाला है वो आपको काफ़ी मूव्स मिस करा देगा, जो भी रिवर्सल मूव्स रहेंगे, राइट। दैट S1 से या S2 से सपोर्ट लेके जब बैंक निफ्टी रिवर्स करता है एंड उस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग का जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो ये स्ट्रेटजी में आपको मिस हो जाएगा आई गेस। सो अगर मिस्टर जडेजा चाहते हैं सो हम उसको पिवट को रिमूव भी कर सकते हैं कंडीशन को, अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप भी रिमूव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको सजेशन दे दिया थोड़ा सा, ये थोड़ा और सेफ खेलने की ट्राई कर रहे हैं स्ट्रेटजी में पिवट की कंडीशन को ऐड करके, लेकिन ठीक है अभी उनकी रिक्वेस्ट है तो सेम उसी टाइप से मैंने बना दिया है स्ट्रेटजी। अभी यूनिवर्सल एग्जिट आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हो मैं पहले डाल देता हूँ मैक्स प्रॉफिट लेस देन मैक्स लॉस, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कितना गया था। दूसरा हम डाल देते हैं टाइम बेस, टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3:15 आई गेस हम लोगों ने सेट किया था। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी ऐड कर सकते हो PNL के बेसिस पे, राइट। एंड बाकी सब तो सेम रहेगा, यहाँ पर कोई उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई मेंशन नहीं किया, सो मैं यहाँ पर कोई ट्रेलिंग SL ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रन करेंगे, राइट। एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आई गेस 50,000 विल बी इनफ। सो ठीक है, अभी आई गेस आप लोगों को आ गया अच्छे से कि किस तरह से इस टाइप की जो स्ट्रेटजी है जिसमें आप कुछ पैरामीटर्स चेक कर रहे हो ऑप्शन के चार्ट पे, कुछ पैरामीटर्स चेक कर रहे हो स्पॉट के चार्ट पे, दोनों को कंबाइन करके आप किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हो ट्रेडट्रॉन में आसानी से, वो आपको पता चल गया होगा। अभी इसी स्ट्रेटजी का शेयर कोड एंड लिंक दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो पे, राइट। एंड सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा, अपना जो भी सजेशन है वो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।